अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम या फ्रेश वाटर लेक इकोसिस्टम। फ्रेश वाटर लेक इकोसिस्टम में हम बात करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेश वाटर्स की, तो फ्रेश वाटर्स मुख्तलिफ तरह के हैं। साइज के लिहाज से फ्रेश वाटर मुख्तलिफ है, मतलब किसी की लेंथ विड्थ बहुत ज़्यादा है, किसी की थोड़ी है, और न्यूट्रेंट कंटेंट के लिहाज से किसी में न्यूट्रेंट कंटेंट बहुत ज़्यादा है, किसी में बहुत थोड़े हैं। इन द सेम वे कोई फ्रेश वाटर इकोसिस्टम ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा गहरे हैं, कुछ ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा बहुत कम गहरे हैं। शैडो लाइफ फॉर्म किसी में मुख्तलिफ तरह के जानदार है, किसी में है बहुत कम। इसके अलावा टेम्परेचर स्ट्रेटिफिकेशन की अगर ज़्यादा गहराई होगी तो उसमें टेम्परेचर की लेयर्स मुख्तलिफ होंगी, ऊपर वाला ऐसा रीजन होगा जहाँ थोड़ा पानी गर्म होगा जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, गहराई में ऐसा एनवायरमेंट होगा जहाँ टेम्परेचर बहुत कम होगा, ठीक है। तो ये टेम्परेचर स्ट्रेटिफिकेशन के लिहाज से तो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम वेरी होते हैं मुख्तलिफ तरह के। अब इनमें हम पढ़ रहे हैं इकोसिस्टम में हम बात कर रहे हैं अबाउट लाइफ फॉर्म्स की, तो अब इनमें मुख्तलिफ तरह के जानवर हैं, तो इसका इन असर तीन चीज़ों पर, एक तो है लाइट पे, तो वहाँ पर कितनी लाइट पड़ रही है, और दूसरी चीज़ है एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, वहाँ पर कितनी मिकदार में ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होंगे, ज़्यादा लाइट पड़ेगी ज़्यादा जानवर होंगे। इसके अलावा अटैचमेंट के, जानवरों को अटैच होने के लिए जगह भी कहीं मिलनी चाहिए, अगर नहीं मिले तो फिर कम होंगे, वो आगे कुछ मूव कर जाएंगे और नहीं सर्वाइव करेंगे, वहाँ नहीं रुक सकेंगे, और अगर वहाँ पे अटैचमेंट होगी तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे जानवरों की तादाद बढ़ती जाएगी। इस तरह से फिर हमने इस लेक इकोसिस्टम को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया, तीन रीजन में डिवाइड किया, किस बुनियाद पर, इन तीन करेक्टरिस्टिक के बुनियाद पर, एक्सेस टू लाइट, लाइट की क्वांटिटी की बुनियाद पर, न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी की बुनियाद पर, और अटैचमेंट साइड की बुनियाद पर। इसका सबसे पहला है लिटोरल जोन, डेमोनेटिक जोन, प्रोफंडल जोन। हमारे पास कोई भी लेक है, हमारे पास कोई भी एक लेक है, फ्रेश वाटर है, तो उसको हमने उसके रीजन के लिहाज से तीन हिस्सों में डिवाइड किया। जो सबसे उस लेक का जो किनारे वाला हिस्सा होगा, जो शोर वाला हिस्सा है, साहिल वाला हिस्सा है, उसे हम कहते हैं लिटोरल जोन। बाकी बचता है ओपन वाटर। ओपन वाटर को दो हिस्सों में, एक है ऊपर वाला डेमोनेटिक जोन, नीचे वाला प्रोफंडल जोन, तीन उसके रीजन है। सबसे पहले लिटोरल जोन, लिटोरल जोन इसमें किस तरह के जानवर, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, तो ये वो ऐसा रीजन है जो नियर द शोर मौजूद है, साहिल के साथ साथ मौजूद है। दूसरा, इसमें पानी ज्यादा गहरा नहीं होता, कम गहरा पानी इसमें होता है, और यहाँ पे अगर प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, प्लांट्स यहाँ पे मौजूद है, तो प्लांट्स के एक तो साइड ऑफ अटैचमेंट मिलेगी है, वो नीचे बॉटम में अटैच होगा। दूसरा, वहां पे बहुत ज्यादा मिकदार में प्लांट्स को लाइट मिलेगी, सूरज की रोशनी बहुत ज्यादा मिलती है, और तीसरी चीज, यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा होंगे। तीन करेक्टर है, जब यहाँ पे अगर प्लांट ग्रो करता है तो उसको तीन चीजें, एक तो लाइट बहुत ज्यादा मिलेगी, दूसरी चीज तो उसको एंकर होने के लिए जगह मिल जाएगी, और तीसरी चीज यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा होंगे। इस तरह से हम कहते हैं यहाँ पे जो प्लांट्स जो भी होंगे उनको बहुत ज्यादा फायदा होगा, ये लिटोरल जोन का। यहाँ पे प्लांट्स एक आएगा, फिर दूसरी तरह का आएगा, किसी तरह का पहले पॉपुलेशन होगी, फिर कम्युनिटीज बन जाएंगी, मुख्तलिफ तरह के प्लांट्स की यहाँ पे कम्युनिटीज बन जाती है। प्लांट्स कौन कौन से प्लांट्स यहाँ पे पाए जाते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे वाटर लिलीज भी पाई जाती है, समर्स प्लांट्स भी पाए जाते हैं, और ब्लू ग्रीन आती है। अगर हम बात करें इन प्लांट्स के अलावा, इन प्लांट्स के अलावा यहाँ पे ड्रिफ्टिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब तैरने वाले, इन्हीं प्लांट्स के गिर्द कुछ छोटे छोटे जानदार भी मौजूद होते हैं, जिन्हें हम ड्रिफ्टिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम देते हैं। आप ड्रिफ्टिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म दो तरह के होते हैं, या तो फाइटोप्लैंकटन या जूप्लैंकटन। फाइटोप्लैंकटन मीन फाइटो में प्लांट्स, और ड्रिफ्टिंग में प्लैंकटन मीन तैरने वाले, मतलब वो प्लांट्स जो तैरते हैं, ये छोटे छोटे जानदार फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट ड्रिफ्टिंग प्लांट्स हैं, जो छोटे छोटे जानवर होते हैं जो तैरते होते हैं पानी में। जैसे एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, याद रहे साइनोबैक्टीरिया की बात हो रही है, तो वो जो है वो ड्रिफ्टिंग प्लांट्स हैं। इसके अलावा एल्जी, एल्जी यूकेरियोटिक या प्रोकेरियोटिक, दोनों ड्रिफ्टिंग प्लांट्स या फाइटोप्लैंकटन जाते हैं। दूसरे इसमें जानवर है जूप्लैंकटन, ऐसे जानवर जो वहां पे तैरते रहते हैं उन्हें हम जूप्लैंकटन का नाम देते हैं। जैसे ड्रिफ्टिंग एनिमल में प्रोटोजोआ, टिनी, क्रस्टेशियन, छोटे छोटे जानवर जो होते हैं उन्हें क्रस्टेशियन का नाम देते हैं। अब इनमें सिर्फ ये ही जानवर इस इलाके में नहीं पाए जाते, बल्कि कुछ जानवर भी पाए जाते हैं। जानवर जानवर में आते हैं एनिमल्स, एनिमल्स दो तरह के, इनवर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स नॉन
वर्टिब्रल कॉलम, जिनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं, वर्टिब्रेट्स जिनमें वर्टिब्रल कॉलम होता है, जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है, इनवर्टिब्रेट्स जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती। इनवर्टिब्रेट्स में क्रस्टेशियंस आते हैं, क्रस्टेशियंस पाए जाते हैं स्नेल, फ्लैटवर्म, इंसेक्ट्स के लार्वा, बेशुमार, और हाइड्रा, ये सारे आते हैं इनवर्टिब्रेट्स। ये वहां पे बहुत ज्यादा मिलता है, लेकिन इसके अलावा वर्टिब्रेट्स में फ्रॉग है, एक्वेटिक स्नेक है, टर्टल है, ये मुख्तलिफ तरह के जानवर है जो इस जोन में पाए जाते हैं। अभी इतनी वैरायटी है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे न्यूट्रिएंट सप्लाई बहुत ज्यादा है, और न्यूट्रिएंट सप्लाई मेनली किस चीज पे डिपेंड करती है, वो बॉडी सिस्टम पर डिपेंड करती है, इट मींस कि यहां पे प्रोड्यूसर भी तो बहुत ज्यादा होते हैं। इसके बाद ये है साहिल समंदर का या नहर का या किसी भी फ्रेश वाटर इकोसिस्टम का साहिल वाला इलाका, किनारे वाला इलाका, बाकी वैसा ओपन वाटर। ओपन वाटर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, यहाँ पे लाइट इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है। अब इधर लाइट इंटेंसिटी नहीं करते, क्योंकि जो जो गहराई में जाएंगे, इसकी गहराई में जिस तरह से ज्यादा जाएंगे मूव करेंगे, लाइट इंटेंसिटी ऑटोमेटिकली कम होती जाएगी। अब उस ओपन वाटर को दो हिस्सों में डिवाइड किया, एक अपर वाला हिस्सा और एक लोअर वाला हिस्सा, गहराई वाला हिस्सा। जो अपर वाला है, जो सरफेस वाला है, उसमें लाइट इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा लाइट पड़ती है, उसमें मुख्तलिफ तरह के जानवर पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मिकदार में वहाँ पे जानवर होते हैं वो है प्लैंकटन के, फाइटोप्लैंकटन के, ब्लू ग्रीन एल्गी वहाँ पे बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। इसके अलावा सरफेस एनिमल, सरफेस ऑर्गेनिज्म भी पाए जाते हैं। दूसरी चीज वहाँ पे ज़ूओप्लैंकटन भी पाए जाते हैं, ज़ूओप्लैंकटन में प्रोटोज़ोआ, क्रस्टेशियंस। अब प्रोड्यूसर वहाँ पे मौजूद है ब्लू ग्रीन एल्गी, और वहाँ पे ज़ूओप्लैंकटन मौजूद है प्रोटोज़ोआ, तो प्रोड्यूसर्स को खाने के लिए क्या चीज है, ये है एरो का साइन शो कर रहा है कि इनकी एनर्जी इसके पास जाती है, और इनकी एनर्जी किसके पास जाती है, फिश के पास, क्योंकि फिश के पास में मदद होती है। तो ये एक फूड चेन छोटा सा बनता है उस इकोसिस्टम का, उस जोन का, तो ब्लू ग्रीन एल्गी वहां पर मौजूद है, उसको खाते हैं ये, तो ये चीजें और इनको खाने के लिए ये चीजें मौजूद है। अब इसके बाद गहराई वाला इलाका है, यहाँ पे लाइट पड़ती नहीं है, यहाँ पे बहुत कम लाइट है, जो फोटोसिंथेसिस को सपोर्ट नहीं कर सकती, क्योंकि वहाँ पे कोई भी जानदार, कोई भी प्लांट नहीं होगा, कोई भी फोटोसिंथेसिस और ऑर्गेनिज्म नहीं होगा, क्योंकि उन्हें लाइट चाहिए, तो वहाँ पे लाइट जाए नहीं, तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। अब वहाँ पे फिर क्या बचती है, वहाँ पे आते हैं वो जानवर जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करते हैं, डिट्राइटस पे ग्रो करते हैं। अब ये डिट्राइटस कहाँ से आया, तो ये आया है बाकी दोनों जोन में, लिमिनेटिक जोन में जो जानवर मरा, जो प्लांट मरा, वो नीचे बॉटम में चला गया, प्रोफंडल जोन में चला गया। लिटोरल जोन में जिन जानवरों की डेथ हुई, जो डिकम्पोज हुए, वो कहाँ चले गया, प्रोफंडल जोन में, जमीन के दोनों। इसके अलावा पानी की लहरों से जितना भी ऑर्गेनिक मैटर आ रहा है पानी की लहरों में, वो भी यहाँ पे आगे क्या होता रहता है, सेडिमेंट होता रहता है, जमा होता रहता है पत्ते। इसका मतलब है यहाँ पे भी न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा मिकदार में होते हैं। तो यहाँ पे किस तरह के जानवर नीचे अंदर पाए, तो जितने भी बॉटम डिवेलिंग जानवर होंगे, बॉटम में पाए जानवर, वो सारे इस बात में होंगे। मिसाल के तौर पर डिकम्पोजर यहाँ पे होंगे, इसमें डिट्राइटस फीडर्स यहाँ पे होंगे, तो इसकी एग्जाम्पल है, इसमें यहाँ पे स्नेल होते हैं इस इलाके में, इसमें इंसेक्ट्स के लार्वे होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, फंजाई होते हैं, फिशेज होते हैं, फिशेज डिट्राइटस को खाती हैं, स्नेल डिट्राइटस को खाता है, इंसेक्ट लार्वा, बैक्टीरिया, फंजाई डिकम्पोजर्स है, तो ये सारे के सारे डिकम्पोजर्स और डिट्राइटस फीडर यहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये हमारा आज का एक हाइड्रोसाइन इकोसिस्टम का एक एग्जाम्पल, जिसे हम फ्रेश वाटर लेक इकोसिस्टम कहते हैं। इसके बाद जो इस चैप्टर का दूसरा पोर्शन है, जो कि है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम या लिथोस्फेरिक इकोसिस्टम, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।